हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आप जैसे कि देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर, ये गुलदाउदी के प्लांट्स हैं। इन्हें मैं नर्सरी से लेके आया हूँ। ये मुझे 60 रुपये में गिरे हैं दोस्तों। एक इसमें देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें मुझे 3 कलर मिले हैं दोस्तों। ये 3 कलर मिले हैं और एक दूसरा एक लेके आया हूँ मैं, ये भी 60 रुपीज़ में पर मिला है मुझे। दो लिए हैं मैंने 120 रुपीज़ में। तो अभी मैं इनको रिपोर्ट करने वाला हूँ, तो इस वीडियो में बने रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा वीडियो शेयर करते रहेगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, मेरे गुलदाउदी के प्लांट्स हैं। मैंने अभी इन्हीं नर्सरी से लेकर आया हूँ। और ये दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये प्लांट्स जो है मेरे, मैंने कटिंग से लगाए थे, तो इन्हें भी मैं रिपोर्ट करने वाला हूँ। ये जो मेरे पास ऑलरेडी गुलदाउदी के थे, उनसे कटिंग से मैंने तैयार किए हैं, और देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो हो चुके हैं। और इन्हें भी मैं रिपोर्ट करने वाला, लेकिन फ़िलहाल ये जो मैं अभी नर्सरी से लेके हूँ, इन्हें मैं रिपोर्ट करने वाला हूँ। तो वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, कैसे रिपोर्ट करना है, क्या करना है। जैसे कि देखा दोस्तों, आप देख पा रहे हैं, ये जो मैंने गुलदाउदी का प्लांट लिया है, ये रेड मिट्टी में लगा हुआ है। तो दोस्तों, इनमें क्या होता है, अगर मैं ऐसे, अगर हम इन्हें रिपोर्ट नहीं करेंगे तो फूल जाने के बाद ये हमारा जो प्लांट है वो सूख जाएगा। तो इस वजह से हमें इन्हें रिपोर्ट करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। अगर हम ऐसे ही इन्हें छोड़ देंगे तो ये जो फ्लावरिंग देख पा रहे हैं, इसके बाद ये प्लांट अपने आप सूख जाएगा। तो इस वजह से हमें रिपोर्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और रेड मिट्टी होने के कारण ज़्यादा पानी भी नहीं एब्जॉर्ब करता, तो उस वजह से भी सूख जाता है हमारा प्लांट। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना है, ये मैंने यहाँ पर ये मिक्सचर लिया है जो हम अपने गुलदाउदी के प्लांट्स के लिए यूज़ करने वाले हैं। तो इसमें क्या लिया है दोस्तों, मैंने मिट्टी ली है, सैंड भी ली है दोस्तों, रेत जिसे हम रेत कहते हैं हिंदी में, और उस साथ ही में वर्मी कंपोस्ट भी लिया है मैंने, और ये देख पा रहे हो आप, ये राइस हस्क भी लिया है मैंने, और ये पाउडर जो देख पा रहे हैं, ये ट्राइकोडर्मा भी लिया है। ट्राइकोडर्मा से बेसिकली क्या होता है दोस्तों, जो फंगस वगैरह चांस रहता है उसका, वो चांस कम हो जाता है। तो इससे मैंने लिया, ये मिक्सचर लिया था, लिया है दोस्तों मैंने। 8 दिन हो चुका है इससे मिक्सचर को तैयार करे हुए, और ऊपर से मैंने राइस कस और ट्राइकोडर्मा पाउडर लिया है। तो इसे अब अच्छे से मिक्स करना है दोस्तों आपको। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमने अच्छे से ये मिक्सचर तैयार कर लिया है अपना, हल्के तरीके से। और ये रेड मिट्टी जो होती है, उसमें आपको प्रॉब्लम तो पता ही रहता है, जो गुलदाउदी का हमारा प्लांट है उससे ज़्यादा पानी भी नहीं चलता और कम पानी भी नहीं चलता। अगर दोनों में से कोई एक भी चीज़ हुई तो जो हमारा गुलदाउदी का प्लांट है वो सूख जाता है। उस वजह से आपको बहुत ज़्यादा केयर करनी होती है। अगर आपके पास ज़्यादा बारिश गिर रही है तो आपको उसे शेड में रखना है, नेट में रखना है, ताकि बारिश, ज़्यादा बारिश से आप अपने प्लांट्स को बचा सकें। तो इस प्रकार आपको इसका ध्यान भी रखते रहना है। और यहाँ पर दोस्तों, मैंने ये दो जो मैंने गुलदाउदी के प्लांट्स लिए, उस हिसाब से मैंने दो गमले लिए हैं, 8 इंच साइज के हैं दोनों। तो देख पा रहे होगे आप, नीचे तो हमारे ड्रेनेज होल है ही गमले के लिए, और ऊपर से मैंने ये मटेरियल ले चुका हूँ, ताकि जो हमारा एक्सेस मिट्टी जो मिट्टी जो रहता है वो पानी के साथ बह के बाहर ना जाए गमले से। सिर्फ हमारा जो पानी है एक्सेस, वो मिट्टी गमले में से बाहर जाए, हमारी मिट्टी प्लांट्स की ना जाए। इस वजह से आपको कुछ इस प्रकार कर लेना है दोस्तों। ये सूखा हुआ लिया है मैंने, और कुछ इस प्रकार हमें मिट्टी अच्छे से भर लेनी है हमारे गमले में, हल्के हाथों से दोस्तों। आपको मिट्टी डालनी है, ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, ताकि जो एयर सर्कुलेशन वो भी अच्छे से बना रहे। और दोस्तों, मैंने आप सभी को बताया था कि आसानी से हम कैसे भी कोई भी प्लांट को रिपोर्ट करते वक्त कैसे बाहर निकालना है, उसका मैं वीडियो मैंने एक डाल चुका हूँ, रोज़ प्लांट के उसमें है। तो आप वो हमारे वीडियो पे, चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। बहुत ही आसानी से निकलता है, जिसमें हमारे जो प्लांट्स के रूट होते हैं वो डैमेज नहीं होते, तो आप भी उसे आसानी से निकाल सकते हैं। या फिर आप जो गमला होता है उसे पकड़ के हल्के से टैप करें बॉटम को गमले के, और आसानी से आपका जो प्लांट है वो निकल जाता है बिना उसके रूट को डैमेज किए हुए। कुछ इस प्रकार देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार आपको हल्के हाथों से चारों तरफ प्रेस कर लेना है, और बाद में फिर आपको हल्के हाथों से निकाल लेना है दोस्तों। कुछ इस प्रकार टैप करके निकाल लेना है, देखिए दोस्तों, हल्के हाथों से बहुत ही इजीली हमने निकाल लिया है प्लांट हमारा, बिना कोई रूट को डैमेज किए हुए। और सेंटर में रखना है दोस्तों, ताकि
जो मिट्टी हम डालेंगे इसके प्लांट के हमारे चारों तरफ अच्छे से सेम प्रोपोर्शन में जानी चाहिए, तो इस वजह से सेंटर में रखिएगा मोस्टली। और इस प्रकार मिट्टी से हमें अच्छे से कवर कर लेना है हमारे प्लांट को। और साथ ही में दोस्तों, अगर रिपोर्ट करने के बाद आपको कुछ दिनों के बाद फंगीसाइड का भी यूज़ करना है, फंगीसाइड पेस्टिसाइड का, बारिश की वजह से फंगस का भी खतरा बना रहता है प्लांट्स के ऊपर, तो उनको भी आपको स्प्रे करते रहना है। तो इस पर गुलदाउदी के जो प्लांट है उस पर एपिड्स का खतरा बहुत ज़्यादा बना रहता है, तो उस वजह से आपको फंगीसाइड और पेस्टिसाइड का स्प्रे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिस वजह से आपके जो प्लांट है वो हेल्दी भी रहेंगे और अच्छे से ग्रो भी कर सकेंगे, तो इस वजह से आपको करना है। और जब भी आप फंगीसाइड या पेस्टिसाइड का स्प्रे करें दोस्तों, ध्यान रखिए तब बारिश नहीं होनी चाहिए, और हो सके तो आपको, और हो सके तो आपको सुबह के वक्त ही करना है, जब धूप ज़्यादा ना हो तभी आप करेंगे तो ज़्यादा प्रिफरेबल होगा आपके लिए। और जो आपका फंगीसाइड या पेस्टिसाइड का जो आप स्प्रे करते हो उसका रिजल्ट आपके प्लांट को मैक्सिमम मिलेगा, तो यह इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। कुछ इस प्रकार हमने रिपोर्ट कर लिया है दोस्तों, तो हमारा दूसरा प्लांट भी रिपोर्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, हमने हमारा दूसरा प्लांट भी अच्छे से निकाल लिया है, और रूट दे सकते हैं आप इसके। तो इस प्रकार हमने बिना रूट को डैमेज किए अच्छे से आसानी से निकाल लिया है, तो अब हम इसे रिपोर्ट कर लेंगे दोस्तों। अगर आपको दोस्तों ऐसा लगे कि मिट्टी ज़्यादा है, तो आप थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकाल ले सकते हैं, और फिर उसे सेंटर में, जो हमारे गमले के सेंटर में, उसे वहाँ पर रख रहे हैं, और चारों तरफ मिट्टी से भर लेना है प्लांट्स को अच्छे से। कुछ इस प्रकार दोस्तों देख सकते हैं आप, और चारों तरफ मिट्टी से अच्छे से कवर कर लेना है। हल्के हाथों से चारों तरफ अच्छे से मिट्टी से कवर करके फिर हम उसे थोड़ा थोड़ा पानी देंगे दोस्तों। आज ज़्यादा पानी नहीं देना है हमें, थोड़ा सा ही पानी देना है। कल से फिर आप पानी दे सकते हैं, और वैसे भी अब बारिश के दिन चालू है, तो उस वजह से इतना तो पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती प्लांट्स को, तो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं पानी। तो दोस्तों यहाँ पे हमने अच्छे से कवर करके मिट्टी से भर लिया है हमारा प्लांट पूरी तरीके से, और हम उसे थोड़ा सा पानी दे देंगे दोस्तों। यहाँ पे जैसे मैंने आप सभी को बताया था, कटिंग से मैंने जो गुलदाउदी तैयार किए हैं घर पे ही, तो उन्हें भी मैं लगाने वाला हूँ। अभी ज़्यादा नहीं लगाऊंगा दोस्तों, दो ही कटिंग लगाने वाला हूँ मैं, छोटे छोटे, ताकि क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा दोस्तों, उस वजह से अभी आपको थोड़ा ही दिखाने वाला हूँ मैं, और बाकी के लगा लूँगा। अभी ये छोटे गमले में ले आए मैंने दोस्तों, कुछ इस प्रकार आपको निकाल लेना है प्लांट से, देख सकते हैं रूट्स भी दे सकते हैं, काफ़ी अच्छे से ग्रो हो चुके हैं दोस्तों, तो इस प्रकार भी आपको हेल्दी जो रूट है आपके, तो इस प्रकार लगाना है। यहाँ पे मैंने जो नारियल का वेस्ट होता है वो लिया है दोस्तों, और उसे गमले में ले लिया है, और इस प्रकार हल्के हाथों से आपको निकाल लेना है। एक कटिंग तो निकाल ली है दोस्तों, और एक कटिंग निकाल रहा हूँ। बहुत ही आसानी से निकल लिया है दोस्तों, आपको हल्के हाथों से निकालना है, ज़्यादा जोर नहीं देना है। और देख सकते हैं दोस्तों रूट भी देखिए, आपको बहुत ही गजब क्या है, शानदार है, रूट्स आ चुके हैं, देख ही सकते हो रूट। तो चलिए दोस्तों लगा लेते हैं। जैसे आप सभी को प्रोसीजर पता है, मिट्टी से हम अच्छे से उसे भर लेंगे और फिर लगा लेंगे जो हमने कटिंग्स लिए है, ये देख सकते हैं सेंटर में रखना है दोस्तों, और अच्छे से चारों तरफ से मिट्टी से कवर कर लेना है। ये जो मिक्सचर मैंने लिया है वो आप सभी को तो पता ही है, इस मिक्सचर को अच्छे से चारों तरफ से फैलाना है हमारे प्लांट्स के, और हल्के हाथों से प्रेस भी करना है अगर आपको लगे तो। इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा दोस्तों आपको, और जैसे मैंने आपको बताया, आपको फंगीसाइड और पेस्टिसाइड का स्प्रे करते रहना है, जिससे कि आपका जो प्लांट है वो हेल्दी बना रहे। तो दोस्तों इस प्रकार हमने अच्छे से लगा लिए है, और आपको 8 दिन के बाद इसे मस्टर्ड केक और DAP फर्टिलाइजर देना है। तो दोस्तों जैसे कि मैं आप सभी को बता रहा था, आपको 8 दिनों के बाद मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र और DAP दोनों देना है, और आपको हफ्ते में एक बार इसे देते रहना है। और दोस्तों अगर फिलहाल आपके यहाँ धूप ना हो, तो आप इसे डायरेक्ट भी रख सकते हो,
खुले इसमें अगर धूप है तो 2 दिन का आपको धूप से बचा के रखना है, उसके बाद आप रख सकते हो थोड़ी थोड़ी धूप में। और इस प्रकार अगर आप अपने गुलदाउदी के प्लांट्स की केयर करोगे तो आपका जो गुलदाउदी का प्लांट है अच्छे से हेल्दी तरीके से ग्रो करेगा और फ्लावरिंग भी आपको इसी तरह शानदार मिलती रहेगी दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा वीडियो शेयर करते रहेगा। और मैं आपको इसके आगे ग्रो होने के बाद आपको मैं दिखाऊंगा पिंचिंग कैसे करनी है और आपको और क्या क्या चीज़ें आपके गुलदाउदी के लिए ग्रो अच्छे से ग्रो करने के लिए करनी पड़ेगी वो आपको मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, गुड बाय।